नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजेंद्र भारद्वाज और हम पढ़ रहे हैं कंकाल तंत्र। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल की हड्डियों के बारे में, जिनमें हम कुल 200 हड्डियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बची 6 हड्डियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में और फिर हम बोन जॉइंट्स के समझेंगे क्या बोन जॉइंट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गर्डल्स की बात कर रहे थे, जिनको हिंदी में कहा जाता है मेखलाएं। और मेखलाएं हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की होती हैं, जिनमें से एक मेखला होती है पेक्टोरल और दूसरी होती है पेल्विक। जब पेक्टोरल की बात करते हैं तो इसको कहा जाता है अंश मेखला और पेल्विक को कहा जाता है श्रोणी मेखला। फिर पेक्टोरल की बात करते हैं, अंश मेखला की बात करते हैं, इसमें दो हड्डियां होती हैं, दो प्रकार की हड्डियां होती हैं। एक होती है स्केपुला, जिसको कंधे की हड्डी कहा जाता है, कंधे की हड्डी, और दूसरा होता है इसी का पार्ट जिसको बोलते हैं कैल्विकल, जिसको हंसली की हड्डी कही जाती है, हंसली की हड्डी। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो कैल्विकल है ये वाली हड्डी होती है और कंधे की हड्डी स्केपुला ये वाली कंधे की हड्डी होती है। इसकी संख्या होती है 2 और इसकी भी संख्या होती है 2। तो इस प्रकार से पेक्टोरल गर्डल्स की संख्या होगी, अंश मेखला की संख्या होगी 4 और श्रोणी मेखला होती है उसकी संख्या होती है 2। और इसमें कौन सी हड्डी आती है, हिप बोन्स, मतलब कूल्हे की हड्डी, और इनकी संख्या कितनी होती है 2। इनको क्या कहा जाता है, इनोमिनेट्स, इनोमिनेट्स। तो इस प्रकार से 4 हड्डियां पेक्टोरल गर्डल्स में अंश मेखला में और 2 हड्डियां श्रोणी मेखला में, कुल हड्डियों की संख्या होती है इनकी 6 और 200 हड्डियां हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर हड्डियां होगी 206। एक बार हम उनको रिवाइज करते हैं जल्दी से कि कितनी हड्डियां होती हैं। तो हमारे सर के अंदर होती है 29 हड्डियां, जिसमें से 8 हड्डियां होती है हमारे कपाल के अंदर, 14 हड्डियां होती है चेहरे के अंदर, 6 हड्डियां होती है कान में, 1 हड्डी होती है गर्दन के अंदर। फिर हम बात करते हैं कंधे की। तो कंधे को दोस्तों ध्यान रखना, एक ट्रिक है इसको याद रखने की, जिसको कहते हैं कंधा हंसली, कंधा हंसली सीना पसली, सीना पसली। जब 29 हड्डियों की बात कर चुके हैं, उसके बाद में जो नीचे की हड्डियां हैं उनको कैसे याद रखेंगे, तो कंधे की हड्डी 2, फिर हंसली की हड्डी, जो हंसली कहते हैं कैल्विकल, तो कैल्विकल हड्डी होती है 2, फिर सीने की हड्डी जिसको स्टर्नम कहा जाता है उसकी संख्या होती है 1, और पसलियां होती है 12 जोड़ी, मतलब टोटल हड्डियां होती है 24, ये 12 पेयर्स होते हैं। फिर हाथ और पैर की हड्डियां आती हैं, तो हाथ की हड्डियां कितनी होती है 30, जिसमें सबसे पहले आती है यूमरस, उसके बाद में रेडियस और अल्ना, उसके बाद में कलाई में कार्पल्स, फिर पंजे में मेटाकार्पल्स और फिर उंगलियों में फेलेंजेस। तो एक में 30, दोनों हाथों में 60 हड्डियां। फिर पैर की बात करते हैं तो सबसे पहली हड्डी आती है फीमर, और उसके बाद में फीमर के नीचे पटेला, फिर 2 हड्डियां आती है टीबिया और फिबुला, फिर टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस, और हिप की 2 बोन श्रोणी मेखला आती है 2। तो इस प्रकार से हमारी कुल हड्डियों की संख्या हो जाती है 6। अब आगे बात करते हैं इन हड्डियों के बाद में। तो दोस्तों एक पॉइंट आता है, क्योंकि कंधा हंसली सीना पसली तो हो चुका है, एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, जिसमें कहा जाता है एडी की हड्डी को, एडी की हड्डी किसे कहते हैं, एडी की हड्डी का क्या नाम होता है। तो ध्यान रखना, एडी की हड्डी को कहते हैं कैल्किनियम, कैल्किनियम। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारी कशेरुका होती है 26, उन 26 कशेरुकाओं में प्रथम कशेरुका का नाम क्या होता है। तो प्रथम कशेरुका जो होती है उसका नाम होता है एटलस, उसका नाम होता है एटलस। फिर जो अंतिम कशेरुका होती है, जो जिसको पुच्छ कशेरुका कहा जाता है, मतलब पूंछ की कशेरुका कहा जाता है, तो अंतिम अंतिम कशेरुका का नाम होता है कॉकिक्स। तो इस प्रकार से 206 हड्डियों के नाम हम गिन चुके हैं। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज की, क्योंकि हड्डियों के जोड़ जब हम पढ़ेंगे तो हड्डियों के जोड़ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कनेक्टिव टिश्यूज का, जो कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो दोस्तों जब हमने रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा था, तो रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने कनेक्टिव टिश्यूज की बात की थी, जो 2 प्रकार का होता है, एक होता है लिक्विड फॉर्म में और दूसरा होता है सॉलिड फॉर्म में। जो लिक्विड फॉर्म की बात की थी तो उसमें ब्लड और लिम्फ 2 प्रकार के लिक्विड फॉर्म की बात की थी, और जब सॉलिड फॉर्म की बात करेंगे, यह हम पहले कर चुके भी हैं, पढ़ भी चुके हैं, कनेक्टिव टिश्यू जिसमें सॉलिड में पहला होता है लिगामेंट और दूसरा होता है टेंडन।
इसको हिंदी में कहा जाता है स्नायु और इसको बोलते हैं कंडरा। इन दोनों का क्या क्या फंक्शन होता है तो ये समझने की बात है। जो लिगामेंट होता है सबसे पहला पॉइंट कि यह कार्य क्या करता है तो यह हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, बोन को बोन से जोड़ता है, इसका यह कार्य है। और टेंडन का कार्य क्या होता है, यह हड्डियों को मसल से जोड़ता है, बोन से मसल्स को जोड़ता है। फिर दूसरी बात इसका निर्माण, दोस्तों हमने हड्डियों में पढ़ा था कल के वीडियो में कि हड्डियों में तीन प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, पहला ओसिन होता है, दूसरा कोलेजन होता है, तीसरा इलास्टिन होता है। तो जो लिगामेंट होता है उसका निर्माण होता है कोलेजन से, कोलेजन नामक, या हिंदी में लिख दूं कोलेजन, उस प्रोटीन से लिगामेंट का निर्माण होता है। जब टेंडन की बात करते हैं तो टेंडन का निर्माण होता है इलास्टिन प्रोटीन से, इलास्टिन से प्रोटीन से। जब लिगामेंट की बात आती है तो लिगामेंट का जो कलर होता है, रंग इसका होता है येलो, मतलब पीला, लिगामेंट जो होता है वो हल्का पीला कलर का होता है, और टेंडन की बात आती है तो ये होता है सफेद, मतलब व्हाइट कलर का। अब यहां से देखो ये क्या करता है, जो टेंडन होता है वो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। यहां से कम 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मांसपेशियों के बारे में। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल मांसपेशियों की संख्या शरीर में कितनी है, कुल मांसपेशियां, यह बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी। तो ध्यान रखेंगे 639 मांसपेशी होती है हमारे शरीर के अंदर। उसमें भी ये पूछा जाता है कि सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है और सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है, और तीसरा क्वेश्चन सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है। तो पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी मांसपेशी, छोटी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी होती है कान की मांसपेशी, उसका नाम क्या होता है, स्टेपेडियस, स्टेपेडियस, और कहां पाई जाती है, कान में। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है, तो मैं लिख देता हूं सबसे लंबी मांसपेशी, और सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है, जिसे कहा जाता है जांग में पाई जाती है, और साइटोरियस उसका नाम होता है, सार्टोरियस, और ये कहां पाई जाती है, जांग में। फिर तीसरी सबसे बड़ी मांसपेशी, तो सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, तो ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, और ये कहां पाई जाती है, हिप में। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे संवेदनशील पेशी कौन सी होती है, सबसे संवेदनशील मांसपेशी, तो याद रखेंगे सबसे संवेदनशील की बात आती है, संवेदनशील मांसपेशी, और सबसे संवेदनशील मांसपेशी होती है आंख के अंदर, जिसे आयरिस कहते हैं, आयरिस, और वो होती है आंख में। और एक लास्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि सबसे व्यस्ततम मांसपेशी हमारे शरीर की कौन सी होती है, तो सभी को पता है कि सबसे व्यस्ततम अंग हमारे शरीर का कौन सा है, हार्ट, जिसको हृदय कहते हैं, और वो कार्डियक मसल्स से बना होता है, तो इसलिए सबसे व्यस्ततम, मतलब सबसे बिजी, व्यस्ततम मांसपेशी वो होती है कार्डियक मसल, या फिर हृदय की कार्डियक मसल्स। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लिगामेंट की हम बात कर चुके हैं, कंडरा की, टेंडन की बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं बोन जॉइंट्स की, कि किस प्रकार से बोन जॉइंट हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो टेंडन होता है वो बोन को मांसपेशियों से जोड़ता है, मतलब हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, और लिगामेंट होता है वो बोन को बोन से जोड़ता है। बट जब लिगामेंट की बात आती है तो लिगामेंट के नीचे भी, यहां पर मैं लिख देता हूं बोन जॉइंट, हड्डियों का जोड़। तो एक डायग्राम बनाते हैं कि हड्डियां किस प्रकार से जुड़ी होती है, यह एक हड्डी है, तो हम देखते हैं इस प्रकार से हड्डी होती है, फिर उसको जोड़ते हैं इस प्रकार से, ये हड्डी जुड़ गई, मैंने ऐसे डायग्राम बना दिया, ये हड्डी है,
अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज लिगामेंट, और इसके लिगामेंट के नीचे भी एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होता है, उसको अभी देखेंगे क्या कहते हैं। और इसके अंदर एक द्रव भरा हुआ होता है, एक लिक्विड भरा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं उसकी भी चर्चा अभी करेंगे। दोस्तों इस हड्डियों के सिरे पर एक वॉशर जैसी संरचना होती है, उसको कहा जाता है कार्टिलेज। तो इनको लिख देता हूं मैं, इसको कहते हैं लिगामेंट, और अंदर वाला जो होता है झिल्ली जिसे कहा जाता है उसको बोलते हैं सिनोवियल मेम्ब्रेन, और हिंदी में भी इसे यही कहा जाता है सिनोवियल झिल्ली, सिनोवियल झिल्ली। जो अंदर द्रव भरा होता है, द्रव है, और इसको बोलते हैं सिनोवियल द्रव, सिनोवियल द्रव। इसका अभी चर्चा करेंगे, इसका क्या कार्य है, इंपोर्टेंट रोल है इसका, और इसको बोलते हैं कार्टिलेज। जो ब्लू कलर में दिख रहा है दैट इज कार्टिलेज। लिगामेंट हम पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं सिनोवियल मेम्ब्रेन की। दोस्तों जब हमारे चोट लगती है हड्डियों में, जब झटका आता है, तो यही होता है सिनोवियल मेम्ब्रेन, एक प्रकार की झिल्ली होती है जो उस चोट से हमारी हड्डियों के जोड़ों की रक्षा करती है, उसको बोलते हैं सिनोवियल झिल्ली। और इस सिनोवियल झिल्ली के अंदर एक सिनोवियल द्रव पाया जाता है, इस द्रव का क्या कार्य होता है उसको समझेंगे। तो जो द्रव होता है उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं हम कि मान के चलिए कोई मशीन है और वो मशीन अनवरत कार्य कर रही है, तो क्या होता है धीरे धीरे उसमें घर्षण पैदा होने लग जाएगा, फ्रिक्शन पैदा होने लग जाएगा। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, कुछ ऑयल डाल देंगे या उसकी ग्रीसिंग कर देंगे या उसमें स्नेहक लुब्रिकेंट्स डाल देंगे जिससे वो स्मूथली वर्क करना स्टार्ट कर देगी। तो उसी प्रकार ये द्रव होता है, क्योंकि हमारी हड्डियों में क्या होता है कंटिन्यू मूवमेंट होता रहता है, मतलब ये भी एक मशीन की तरह कार्य करती है, तुरंत बहुत गतिविधियां करती हैं ये भी। तो उसमें क्या होता है कि घर्षण पैदा होने लग जाता है, जैसे ही हमारी हड्डियां होती हैं, क्योंकि चलते फिरते हैं हम, बहुत सारे कार्य करते हैं, तो धीरे धीरे घर्षण पैदा होने लग जाता है उनके बीच में। तो ये द्रव क्या करता है, जो घर्षण हो रहा है दो मेटिंग पार्ट्स के बीच में, दो सतहों के बीच में, हड्डियों की दो जोड़ों के बीच में, तो यह उसको एक स्नेह प्रदान करता है, चिकनापन प्रदान करता है। तो उस चिकनेपन से क्या होता है, फिर हमारा जो हड्डियां हैं वो अच्छी तरह कार्य करती है और घर्षण नहीं होता है। तो यह द्रव है, यह द्रव पहला पॉइंट है घर्षण को कम करता है हड्डियों के बीच, हड्डियों में घर्षण कम करता है, घर्षण को कम करता है, कम करता है। फिर कार्टिलेज की बात करते हैं, कार्टिलेज क्या करता है, तो दोस्तों ध्यान रखिए जब भी हड्डी टूटती है तो सबसे पहले वो उसका इफेक्ट आता है लिगामेंट पर, चोट का इफेक्ट आता है लिगामेंट के ऊपर, और लिगामेंट के बाद में आता है इस सिनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर, और उसके बाद में आता है कार्टिलेज के। मतलब अगर आपकी छोटी चोट लगी है तो कुछ नहीं होने वाला, अगर थोड़ी सी ज्यादा चोट लगी है तो लिगामेंट ही डैमेज होगा, उसके बाद में अपनी हड्डी को सुरक्षित कौन करेगा, सिनोवियल मेम्ब्रेन करेगा, और अगर उसके बाद भी थोड़ी ज्यादा आता है तो उसको कौन रोकेगा, कार्टिलेज। तो यह क्या करता है, यह करता है शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य, एब्जॉर्बर की तरह कार्य, मतलब झटका विरोधी, झटके का विरोध करता है, झटका विरोधी है। इस प्रकार मोटरसाइकिल पर बैठते हैं तो झटके लगते हैं तो शॉक एब्जॉर्बर्स क्या करते हैं, उसको कस्टमाइज कर लेते हैं, मतलब ऊपर नीचे होकर, मतलब हमको झटका नहीं लगने देते, एहसास नहीं करवाते। उसी प्रकार शॉक एब्जॉर्बर का कार्य करता है कार्टिलेज, जो बीच में ये पाया जाता है, और ये होता है सिनोवियल द्रव, जो कि हम कह सकते हैं लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है, स्नेह की तरह कार्य करता है। अब बात करते हैं कितने प्रकार के जो है ज्वाइंट्स होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, तीन प्रकार के अपने ज्वाइंट्स होते हैं। तो ज्वाइंट से पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये सिनोवियल द्रव से संबंधित है, सिनोवियल फ्लूइड से संबंधित है, जिस प्रकार हम हड्डियों का इस प्रकार चटकाते हैं, तो आपने देखा वो चट चट की आवाज आती है हड्डियों में चटकाने पर, और एक बार चटक जाने के बाद में दोबारा हड्डियों में चट चट की आवाज नहीं आती, वो ऐसा क्यों होता है, तो उसको समझेंगे। जब श्वसन करते हैं, हम श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और 4% ऑक्सीजन के साथ में 4% कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकलती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ पोर्शन
वो हमारे इस सनोवेल द्रव में मिल जाता है, और सनोवेल द्रव में मिलने के बाद में क्या होता है, बबल्स का निर्माण करता है, मतलब बुलबुले बना लेता है। जिस प्रकार से अपन कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, बुलबुले बन जाते हैं, और बुलबुले किसके कारण बनते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनते हैं। तो इसी प्रकार इसमें क्या होता है, सिनोवेल द्रव में इस प्रकार से बुलबुले बन जाते हैं, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। और जैसे ही हम इसका मूवमेंट करते हैं, इनको हिलाते हैं, चटकाते हैं, मतलब इनको चटकाने की कोशिश करते हैं, तो ये बुलबुले क्या है, बाहर निकलकर फूटने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही फूटता है तो चटकी सी आवाज आती है, इस वजह से उंगलियां चटकाने पर इसकी आवाज आती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, बार बार उंगलियां चटकाना भी हानिकारक है, और इनको बनने में तुरंत तो चटकने के बाद में तुरंत तो वापस चटकती नहीं है, क्योंकि ये बुलबुला बनने में टाइम लगता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से ये बुलबुला बनने में टाइम लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फिर इस सिनोवेल द्रव की कमी हो जाती है, और फिर लास्ट में जब ओल्ड एज होती है या 50 से ज्यादा साल के व्यक्ति होते हैं तो उनमें क्या होता है, धीरे धीरे सिनोवेल द्रव की कमी हो जाती है मूवमेंट के कारण। तो उनमें फिर बाद में हड्डियों में क्या, जोड़ जहां पर घर्षण हो रहा है वहां पर दर्द होगा, और उसी दर्द को हम कहते हैं गठिया का रोग या आर्थराइटिस। फिर आगे बात करते हैं कितने प्रकार के जोड़ होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। इसी के साथ में एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो हमारी हड्डियां होती है, हड्डियों में हमने कहा कि सिनोवेल फ्लूइड पाया जाता है, तो हड्डियों के प्रत्येक जोड़ में, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी जोड़ों में सिनोवेल द्रव पाया जाए, ये जो द्रव है जो कि स्नेह का कार्य करता है, सभी हड्डियों में नहीं पाया जाता। कुछ हड्डियां ऐसी होती है जिनमें द्रव नहीं पाया जाता है, कुछ जोड़ ऐसे होते हैं, वो कौन से होते हैं अभी समझेंगे। तो हड्डियों के जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है परफेक्ट जॉइंट, परफेक्ट जॉइंट। इस परफेक्ट जॉइंट को ही हम कहते हैं सिनोवियल, इसको और में लिख के लिखते हैं सिनोवियल जॉइंट। दूसरा होता है कार्टिलेज, कार्टिलेजियस, हिंदी में भी कार्टिलेजियस जॉइंट, या फिर इम्परफेक्ट बोलते हैं इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट। और तीसरा होता है फाइबरस जॉइंट, या इसी को बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट। इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान मत देना स्पेलिंग पर। परफेक्ट की बात करते हैं तो यह जोड़ ऐसा होता है जिसमें सिनोवियल द्रव, जो सिनोवियल द्रव की बात की थी, जो स्नेह की बात की थी, वह पाया जाता है, सिनोवियल द्रव पाया जाता है। जैसे कि हाथ पैर की हड्डियां सभी में जहां मूवमेंट होता है वहां पर सिनोवियल द्रव पाया जाता है। कार्टिलेजियस जो इम्परफेक्ट ज्वाइंट होता है, इम्परफेक्ट ज्वाइंट ऐसा होता है जिसमें सिनोवियल द्रव उपस्थित नहीं होता है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसमें सिनोवियल द्रव उपस्थित नहीं होता है, सिनोवियल द्रव नहीं होता है, नहीं। और तीसरा बात करते हैं फाइबरस जॉइंट, फाइबर को कहते हैं हम रेसे, तो इस जॉइंट में रेसेदार संरचनाएं होती हैं। जैसे खोपड़ी की बात करूं मैं, तो खोपड़ी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे रेसेदार संरचनाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और इसको इमूवेबल कहते हैं, मतलब ये मूव अपने साथ, मतलब इस प्रकार जैसे मूवमेंट करते हैं तो उस प्रकार गतिविधि नहीं कर पाता है। जैसे इस प्रकार से अगर अपना कपाल होता है, तो कपाल की बात करेंगे तो कपाल में ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है यू करके, और ये किन से जुड़ा होता है, इन रेसेदार संरचनाओं से जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं अपन फाइबरस जॉइंट। इसकी बात करेंगे परफेक्ट जॉइंट की, परफेक्ट जॉइंट दोस्तों 5, तो ये 5 प्रकार के जॉइंट्स हैं, उनकी चर्चा हम कल करेंगे अगले वीडियो में। और कल हम पढ़ेंगे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कौन सा होता है, पाइवेट जॉइंट किसे कहते हैं, हिंज जॉइंट किसे कहते हैं, और सैडल जॉइंट किसे कहते हैं। इन 5 प्रकार के जॉइंट्स की बात करेंगे, उसके बाद में कंपोजिशन ऑफ बोन्स की बात करेंगे, और फिर हड्डियों के बारे में जो इंपॉर्टेंट विशेष तथ्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों लास्ट में, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।